ताकत लगेगा। ऐसे उठा के रखना इसके ऊपर। हाँ ये भाई पीछे आना है, ज़ूम करना है। ना वाइट रखा है पागल। अरे वैसे ये वाइट उधर से लेना पड़ेगा। ना उधर ना 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 अरे कौन है बैठ तू अरुण जी। हाँ ले ले भाई। हेलो अरे मैं तो तिगड़ी हो गया यार। और पीछे हो जा यार। सुझा डालो चलो 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 जैक भी लेके कर ले। माचा उड़ने का लेडीज लेडीज दादा चलो 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 आग लग गई। आग लग गई फायर ब्रिगेड बोला। अरे कर क्या सरकार घर जाओ बोलो घर चले जाओ बोलो यार प्रेम की मापन करो तुम सर यहाँ पे सही इसमें 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 सर इसमें सर इसमें सर इसमें यार सर इसमें सर इसमें सर इसमें नहीं नहीं उसमें नहीं बस क्या बताए देखिए 11 साल सोचते हैं तो यकीन नहीं हो रहा है कि 11 साल से एक दशक पूरा कंप्लीट हो गया तारक मेहता का उल्टा चश्मा करते करते ऊपर एक और साल हो गया। तो वाकई में भगवान का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। गॉड हैज़ बीन रियली रियली काइंड ऑन ऑल ऑफ अस क्या कहे
मतलब बहुत ही कम कम क्या, शायद ये पहला ही ऐसा शायद सीरियल है जो इतने साल चलने के बावजूद भी उसकी टीआरपी अभी भी बरकरार है, अभी भी 1 to 10 नंबर 10 मतलब फर्स्ट 10 शोज में आता है, तो बहुत खुशी हो रही है। नहीं वाकई में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि हमारे कुछ कुछ एपिसोड्स देख के उनके जीवन में काफ़ी उनको प्रोत्साहन मिलता है, तब बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम जब यहाँ एपिसोड करते तो हमें पता नहीं होता है कि जो हमारा काम है कब किसके जीवन में किस तरह से टच करता है। जब ऐसे लोग मिलते हैं उनके रिव्यूज़ हमें देते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया, हमें निमित्त बनाया कि हम लोगों के जीवन में खुशी बाँट सके, तो बहुत खुशी होती है। इसके लिए मुझे लगता है आपको आसिद भाई, हमारे जो प्रोड्यूसर आसिद कुमार मोदी जी, उनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि सारे डिसीजन वो लेते हैं, तो मुझे वाकई में पता नहीं कि अभी आगे क्या डेवलपमेंट है। बस मैसेज क्या क्या कहें, आप हंसते रहे और जिस तरह 11 साल से आपने हमारा साथ दिया है बस इसी तरह आगे भी साथ देते रहिए और हंसते रहिए। ओके अजून अजून दोन तीन जगह, हाँ गुड मैडम आप भी जाइए। बहुत ही शानदार लाजवाब, बहुत बढ़िया जर्नी है। और 2700 एपिसोड्स कैसे कंप्लीट हो गए सीरियसली मतलब पता ही नहीं चल रहा। हमने कुछ वक्त पहले पहला एपिसोड जैसे शूट किया था, याद है वो जुलाई 2008 को हमने पहला एपिसोड यूज़ किया था, पहली बार हम लोग एक साथ शूटिंग किया था। ऊपर पहले वो कर रहे थे, फोटोज खिंचवा रहे थे, फिर हमको समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, फिर कोर्ट का सीन हुआ था। सच में ऐसा लग रहा है अभी अभी की बात है, 11 साल हो गए, 2700 एपिसोड हो गए। सपने में भी नहीं सोचा था कि 2700 एपिसोड इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, एंड लाइक अभी 2700 अभी तो आगे आगे देखिए होता कि आप आगे भी आओगे, अभी यू नो 4000-5000 में हम लोग का इंटरव्यू ले। ओह यस, ये आपने 2700 करके दिखाए हैं जिसमें हंसने वाले दो चेहरे हैं, हम भी यही चाहते हैं। जैसे तारक मेहता की टीम हमेशा हंसती रहती है, आप सब भी हमेशा हंसते रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, और जिंदगी में चैलेंजेस तो देखो तारक मेहता की टीम के लिए भी आते हैं और सारे मिलजुल के एक साथ उसको फतेह करते हैं। ऐसे आप भी अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को फतेह करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही हम पे बरसाते रहिए। प्रभु जी की आशीर्वाद है, वैसे ही आप अपना प्यार हमको अपने हमारे साथ हमेशा रहिए। और अभी 2700 तक हमारा साथ दिया है, आगे 3500, 4000, 5000 जितनी आपकी मर्जी, जितनी जब तक आपको मज़ा आए तब तक हम आपके साथ। उनको मज़ा आते ही जाएगा क्योंकि हम लोग मेहनत ही इतनी ज़्यादा करते हैं भाई, खूब जम के मेहनत करते हैं, खूब सारी इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि आपको बहुत 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 मज़ा आए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। मुझे 3 साल कंप्लीट हो, मतलब तीसरा साल चल रहा है, 2 साल कंप्लीट हो गए और मैंने भी ऑलमोस्ट 550 एपिसोड कंप्लीट कर लिए शो में, तो बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है कि मैं इस हिट शो में काम कर रहा हूँ। और जब लोग आपके काम से आपको सराहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। करेक्ट, हमारी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, इसके लिए शायद अभी तक मैं ये जर्नी में हूँ और इस आई डोंट थिंक ये जर्नी को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, पर हाँ ये आप जो आपको मतलब आप जो रोज़ 8:30 बजे घर पे हंसते हो वही मेरी फीलिंग है, जो आप जो एक गैग पे आप हंसते हो तारक मेहता की वही सेम मेरी फीलिंग है जो मैं 10 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ। मम्मी तो अभी अहमदाबाद में है, नानी के घर हैं, तो वो वहाँ इन्जॉय कर रही है, आएंगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा कि कब आ रही है, कैसे आ रही है, और वो बस वही जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फैंस को बस यही कहना चाहेंगे कि इतने सालों से हमें इतना ढेर सारा प्यार दिया है, तो बस ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू, थैंक यू।
कैसी रही आपको? बहुत ज़बरदस्त जर्नी है, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है, इसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सपने में भी नहीं सोचा था कि 2700 एपिसोड हमारे शो के कंप्लीट होंगे, और वो जिस तरह से मतलब कंप्लीट हुए हैं, जिस तरह से पिछले 11 साल बीते हैं, हमें लगा ही नहीं कि 11 साल बीत चुके हैं, हमें ऐसा ही लग रहा है कि हमने तो अभी कभी कल ही शुरुआत की थी, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, और ये फीलिंग शायद इस पूरी एनर्जी में सेट पर आपको दिख रही है, सिर्फ एक्टर्स के चेहरों पर नहीं, हमारी जो पूरी यूनिट है कास्ट एंड क्रू उन सब के चेहरों पर आपको दिख रही है, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये 2700 जो है वो आंकड़ा बदल जाए और 7200 एपिसोड बहुत जल्द हो जाए, और इसी तरह से ऑडियंस का प्यार मिलता रहे और तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो देखते रहे। बहुत जल्द होनी चाहिए, अब आप ढूंढिए पोपटलाल जी के लिए, अगर आपके ध्यान में कोई सुकन्या हो तो बताइए, तो बहुत जल्द गोकुलधाम से बारात निकलेगी, और आपके जरिए हमारे सारे दर्शकों को भी न्योता देता हूँ कि आप सबको भी पोपटलाल की बारात में आने का इन्विटेशन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।